गुड मॉर्निंग। तो ये अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं एक्सेस डेटा का D220 है ये, और ये आप मेरे सामने देख सकते हैं ये मेरा ब्लूटूथ स्पीकर है ट्रेविट कंपनी का, काफ़ी प्रीमियम ये स्पीकर है, मुझे तो पर्सनली काफ़ी पसंद है ये स्पीकर। और इसका जो कॉस्ट अभी है वो लगभग 6000 के आसपास है अमेज़ॉन पे, और इसका नया वर्जन भी लॉन्च हो गया है। तो ये एक्चुअली मैंने 2 साल पहले लिया था और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करता है ये। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करने वाला हूँ और देखते हैं, दो चीज़ चेक हो जाएगी। तो अभी मैं 2 टेस्ट करने वाला हूँ इस रेडियो के साथ। पहला कि क्या मैं इससे, ये जो यहाँ पर आप जैक देख रहे हैं, क्या मैं इसके थ्रू मैं एक्सटर्नल आउटपुट ले सकता हूँ इस स्पीकर में या किसी भी स्पीकर में, और क्या एक्सटर्नल स्पीकर पे आउटपुट लेने पे क्या ओवरलोडिंग की समस्या होती है, जैसा कि मेरे D109 में बहुत ही ज़्यादा हुआ था। D808 में वो समस्या नहीं थी, लेकिन D109 के साथ ओवरलोडिंग की बहुत ही ज़्यादा समस्या थी। तो अभी हम वही 2 चेक करने वाले हैं कि क्या इसके थ्रू हम एक्सटर्नल आउटपुट ले सकते हैं, दूसरा अगर आउटपुट ले सकते हैं तो क्या ओवरलोडिंग की समस्या भी होती है, दोनों चीज़ चेक करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। और इस आउटपुट को लेने के लिए अभी मैं इस वाले जैक का यूज़ करूँगा, ये आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे ये 3.5 mm का यहाँ पे जैक दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला है ऑक्स के लिए, ये वाला ऊपर वाला, नीचे वाला चार्जिंग का पोर्ट है, ऊपर ऑक्स के लिए है। और इससे वायर कनेक्ट करेंगे, मेरे पास ये वाला केबल है, आप देख लीजिए ये वाला केबल है, ये काफ़ी सस्ता केबल है, 20 रुपये मुझे मिला था मार्केट में, और बढ़िया काम करता है ये। और इसी को मैंने काट के एक्सटर्नल एंटीना का जैक भी बनाया था, एक इसी को काट के बनाया था, बाद में मैंने उसका एक अच्छा सा मैंने मंगा भी लिया था ऑनलाइन अमेज़ॉन से। अभी मैं इसी केबल के थ्रू इसको कनेक्ट करूँगा इस रेडियो को अपने इस एक्सटर्नल स्पीकर के साथ। हालांकि ब्लूटूथ स्पीकर है, लेकिन आप इसके थ्रू ऑक्स केबल के थ्रू भी इस पर आउटपुट ले सकते हैं। तो चलिए पहले मैं कनेक्ट करता हूँ इस केबल के थ्रू इस रेडियो को और इस स्पीकर को, फिर आपको दिखाते हैं। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है इस केबल के थ्रू, एक मैंने इसमें कनेक्ट किया हुआ है और दूसरा जिसका सिरा है वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, देख सकते हैं आप, सेम केबल है, आप देख लीजिए। और अभी इसको ट्यून करेंगे हम बारी बारी से और फिर पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या ओवरलोडिंग हो रही है। पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या हम इस पर आउटपुट ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। FM पे ट्यून है ऑलरेडी, देख सकते हैं आप यहाँ पर FM बैंड पे ट्यून ऑलरेडी किया हुआ है, और इसको ऑन करते हैं, देखते हैं क्या वो स्पीकर में साउंड आता है या नहीं आता है। बिल्कुल ये काम कर रहा है, देखेंगे ट्यून करते हैं यहाँ से। काफी बढ़िया साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। एजुकेशन इनसाइड वेल इन द मुझे तो सिर्फ एक पॉइंट, इसका वॉल्यूम सिर्फ एक पॉइंट बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा साउंड है, मुझे उससे कम करना पड़ेगा, हालांकि वहाँ से ज़्यादा हो रखा होगा, इसलिए कोई नहीं, इसको चेक करते हैं। The event is a collaborative effort of the Ministry of Industry, Commerce and Supplies and Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry, FNCCI, among other. तो ये तो अभी कंफर्म हो गया कि हम एक्सटर्नल आउटपुट ले सकते हैं इसके थ्रू, और काफ़ी बेहतरीन साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी इससे। और इसने 2 दिन मुझे 2 बार चौंकाया है, पहली बार तो रेडियो रोमानिया इसने काफ़ी इजीली पकड़ लिया,
दूसरा भी स्पीकर के साथ ये काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हो गया, मुझे कोई इशू नहीं लगाया। अब चेक करने वाले हैं हम इसका ओवरलोडिंग टेस्ट, और ओवरलोडिंग टेस्ट मैं ऐसे करूँगा, जैसे कुछ स्टेशन है यहाँ पे जिसका कि रिसेप्शन काफ़ी वीक होता है और वो बहुत कम पकड़ता है, अगर उसको ढंग का अगर उसको एंटीना नहीं मिले तो वो रिसेप्शन उसका काफ़ी वीक हो जाता है। तो अभी इस पर हम कोशिश करेंगे, अभी जैसे कि इस पर आकाशवाणी का पूर्णिया केंद्र ट्यून नहीं हो पाया, और पूर्णिया को अगर मैं फ्लिप से अगर इस डायरेक्शन में रखता हूँ तो अच्छे से पकड़ लेता है, D808 पे भी ऐसा करना पड़ता है, या फिर उसको मैं वहाँ रखता हूँ तो बजता है। तो इसको अभी मैं कोशिश करूँगा ट्यून करने की पूर्णिया को, और एक बार जब ट्यून हो जाएगा तो इसके थ्रू हम आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। अभी देखिए आकाशवाणी का पूर्णिया केंद्र की फ्रीक्वेंसी है 103.7 मेगाहर्ट्ज़, यहाँ पे पकड़ता है, अभी नहीं पकड़ पा रहा है। तो इस ऑक्स केबल को निकालते हैं और फिर पहले इस पर ट्यून करने की कोशिश करते हैं, एक बार ट्यून हो जाए और फिर केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे इस स्पीकर को और देखते हैं कि रिसेप्शन में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है या कितना फ़र्क पड़ता है। स्टेशन यहीं पे ट्यून होगा, अभी मैं इसको कोशिश करता हूँ ट्यून कराने की और फिर आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करना होगा, पहले मैं स्टेशन को ट्यून कर लेता हूँ फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए पूर्णिया ट्यून हो गया बड़ी मुश्किल से, और इसको एंटीना चाहिए। देखिए पूर्णिया ट्यून हो गया है और उसको एंटीना चाहिए, अगर एंटीना आप इसको प्रोवाइड करा देते हैं तो काफ़ी अच्छा रिसेप्शन होता है, लेकिन अभी बिना अपने एंटीना पे इसने पकड़ रखा है। और ये प्रॉब्लम सारे रेडियो के साथ है, हालांकि वो D808 अच्छे से पकड़ लेता है, ये स्ट्रगल करता है थोड़ा सा। अभी दिखाते हैं इसको कनेक्ट करते हैं कि क्या कोई फर्क पड़ता है। तो जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है इसको लेके कि ये इससे हम एक्सटर्नल स्पीकर पे आउटपुट तो ले सकते हैं, और ओवरलोडिंग की समस्या की जहाँ तक बात है तो मेरे हिसाब से D109 पे ये बहुत ही ज़्यादा था, इस पे उससे थोड़ा सा कम है, उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि डिस्टर्बेंस मेरे D109 पे होता था, उतना डिस्टर्बेंस D220 के साथ नहीं है। अब देखिए पहले क्या था कि अगर मैं इसको कनेक्ट करता था तो ये अपने स्पीकर पे जैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, और जब हम इसको एक्सटर्नल स्पीकर देते हैं तो हल्का सा फ़र्क होता स्लाइटली, जबकि D109 में कुछ ज़्यादा ही फ़र्क हो जाता था। आगे किसी वीडियो में हम आपको ये भी दिखा देंगे कि ओवरलोडिंग कितना ज़्यादा है D109 में, उस पर वीडियो आ जाएगा। फिलहाल मैं बस ये चेक करने के लिए वीडियो बनाया कि क्या हम इससे एक्सटर्नल स्पीकर पे आउटपुट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया साउंड प्रोड्यूस होता है और ओवरलोडिंग की समस्या भी उतनी ज़्यादा नहीं है, और ये ओवरलोडिंग आपको सिर्फ लो रिसेप्शन वाले स्टेशन पे ही दिखेगी आपको, जिसकी रिसेप्शन क्वालिटी सही है उस पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको ट्यून करके दिखा देते हैं। स्थलको उद्देश्य लिएर आएको भए पनि मौसम खराबीका कारण हवाई उडान हुन नसक्ने भएपछि त्यसतर्फ जान नसकेको भन्दै अगर लो रिसेप्शन होगा और आप केबल को अगर इसको हिलाते हैं तो रिसेप्शन पे फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर रिसेप्शन अगर स्ट्रांग है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आउन नदिनको लागि सरकार त्यसतर्फ काम गरिरहेको भन्दै उहाँले विपदमा परि टुङ्गो लाग्नेछ।
का विभाग जाते जाते एक बार इसको ट्यून करते हैं मीडियम वेब पे और देखते हैं कि वहाँ पे कोई फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। मेरे ख्याल से साउंड में थोड़ा सा फर्क पड़ना चाहिए। देखते हैं मीडियम पे ट्यून करते हैं, देखते हैं वहाँ पे स्टेशन स्पीकर के थ्रू कैसा परफॉर्म करता है। स्पीकर मैंने निकाल दिया है। इसके एरियल को भी हम क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं और एक चीज़, अगर आप किसी भी स्पीकर के सामने रेडियो को ले जाते हैं, क्योंकि चूंकि इसका अपना भी इंटरनल कंपोनेंट होता है उसकी वजह से इस पर रिसेप्शन पे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आप किसी लैपटॉप को रखते हैं या किसी मोबाइल फ़ोन को रखते हैं तो वो इंटरफेरेंस आपको इसके थ्रू भी मिलेगा, इसलिए आपको उससे थोड़ा आपको दूर रखने की ज़रूरत होती है। देखिए कितना फर्क पड़ता है ये, इसको यहाँ लाने से इसका रिसेप्शन चला गया। यानी कि आउटपुट लेने पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेक श्योर आपको ये करना होगा कि स्पीकर का जो डिस्टेंस है इससे थोड़ा दूर रहे, तभी आपका काम कर पाएगा। अदरवाइज इससे जो इंटरफेरेंस होता है वो आपके रिसेप्शन को किल कर देगा। चलते हैं एक बार शॉर्ट वेव बैंड पे और वहाँ भी देख लेते हैं। अभी मैं हूँ शॉर्ट वेव बैंड पे और ट्यून करके देखते हैं। और इस रेडियो के साथ ये समस्या देखिए आप, ये देखिए अभी कोई भी ऑन है रेडियो, लेकिन मैं वॉल्यूम अप डाउन कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। इसको जैसे मैं ऑफ करूँगा और फिर से टर्न ऑन करूँगा तो ये काम करने लगेगा। देखिए, देखा, तो ये समस्या है इस यूनिट के साथ। बिल्कुल कुछ नहीं आ पा रहा है, इसको कोशिश करते हैं, अब ट्राई करते हैं इसको निकाल देते हैं और अब देखते हैं। जी हाँ, ट्यून हो पा रहा है। तो बेसिकली कंक्लूजन ये रहा कि आप इसके थ्रू एक्सटर्नल स्पीकर पे आउटपुट 100% ले सकते हैं, FM पे बहुत सही काम करेगा, इंटरफेरेंस और जहाँ तक ओवरलोडिंग की बात है, ओवरलोडिंग काफ़ी कम है इसमें, ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं है। लेकिन अगर आप मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पे इसको ट्यून करेंगे तो मीडियम वेव पे तो आपका ये काम कर जाएगा प्रॉपरली, हल्का सा रिसेप्शन पे फ़र्क पड़ता है। अगर शॉर्ट वेव पे अगर आप एक्सटर्नल स्पीकर पे आउटपुट लेते हैं तो शॉर्ट वेव आप ढंग से ट्यून नहीं कर पाएंगे, रिसेप्शन आपको नहीं मिलेगा ढंग से। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आप क्या सोचते हैं और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।